बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ वर्जन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। क्लास 8 मैथ फाइनल टर्म का जो गेस्ट पेपर है वो आपके सामने मौजूद है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। सेकंड है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9, जो -9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो +9 होगा। बाय राउंडिंग -71.34782 डेसिमल प्लेसेस वी गेट -71.348। नेक्स्ट मैं आपके साथ इनके जस्ट आंसर शेयर करता जाऊंगा, इनके मैं बकायदा डिटेल की तरफ नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको इनका आंसर बताता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो दुरुस्त जवाब है, 5 का ऑप्शन नंबर सी और 6 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 7 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 8 का ऑप्शन नंबर डी और 9 का भी ऑप्शन नंबर डी ही दुरुस्त जवाब है। ऐसे 10 का ऑप्शन नंबर डी, 11 का ऑप्शन नंबर सी और 12 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 13 का ऑप्शन नंबर बी, 14 का भी ऑप्शन नंबर बी और 15 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। 16 का ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी और 18 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। आप लोगों ने गेस्ट पेपर को लाजमी तैयार करना है, आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। 19 का ऑप्शन नंबर जो बी है और 20 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 21 का ऑप्शन नंबर बी और 22 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। 23 का ऑप्शन नंबर सी, 24 का ऑप्शन नंबर बी और 25 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। 26 का ऑप्शन नंबर सी, 27 का ऑप्शन नंबर सी और 28 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो दुरुस्त जवाब है। 29 में देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, 30 का ऑप्शन नंबर सी और 31 का ऑप्शन नंबर जो डी वो दुरुस्त जवाब है। 32 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। ये थे मेरे पास 32 MCQs जो कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव टाइप पेपर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मेरे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं, 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है, 5-5 नंबर के हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, इसके भी 2-2 पार्ट है और 36 के भी 2-2 पार्ट है, 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये 50 मार्क्स का ये वाला पेपर होगा। इनके जो आंसर है हम आपके साथ वो शेयर कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव के अंदर पहला है जी, अगर 58 सही 1/2 किलोग्राम चावल को 6 सही 1/2 किलोग्राम के पैकेटों में पैक किया जाए तो चावलों के कितने पैकेट बनेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो जवाब दिया हुआ है वो उर्दू मीडियम के लिए है, यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। तो साइड में ये जो 1-1 नंबर लिखा होता है ये आप लोगों ने नहीं लिखना, यहाँ पे जो 1-1 नंबर है आप लोगों ने नहीं लिखना। नेक्स्ट दिया जाए जी, मुफरत तजी के जरिए 42.25 का आपने जजरमल निकालना था। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो ये वाला बॉक्स दिया हुआ है और उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो आप लोगों ने ये वाला हिस्सा लिखना है। आंसर दोनों का सेम होता है, कोई भी लिख सकते हैं उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले। नेक्स्ट 34 है, यहाँ पे एक्स का एक सेट दिया हुआ है, एक वाई का सेट दिया हुआ है और आपने ये अपने ला जो है वो प्रूव करना होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो इस तरफ दिया हुआ है, उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों ने इनके क्वेश्चंस को बुक के ऊपर लिख लेना है और आपने इनको सॉल्व करना, इनकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी तरीके के साथ आप लोगों ने कर ली है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हमीद ने जमीन का एक टुकड़ा 6 लाख रुपये में खरीदा और इसको 4,50,000 रुपये में फरोख्त कर दिया, इसका नुकसान आप लोगों ने फीसद में बताना है। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर वो आपके सामने दिया हुआ है, आप लोगों ने इनको लाजमी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपने जमीन सिलसिले बताने हैं, 4, 7, 10 की जनरल रकम आप लोगों ने निकालनी है। तो यहाँ पे जो मेरे पास जवाब दिया है वो इंग्लिश मीडियम के लिए और यहाँ पे जो जवाब है वो उर्दू मीडियम में दिया गया है। नेक्स्ट जी, x³ - y³ / x - y, तो इसका जो जवाब है वो मिस प्रिंटिंग हो चुका है, आप लोगों ने इसको लाजमी तैयार कर लेना है। 36 है, यहाँ पे अपने कीमत दर्ज करने के तरीके से हल सेट आप लोगों ने बताना है। तो ये मेरे पास जवाब दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे उर्दू मीडियम में जवाब दिया हुआ है, आप लोगों ने इनको लाजमी तैयार कर लेना है। क्वेश्चन को आप लोगों ने कॉपी के ऊपर लिख लेना है और बुक से आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। एक दायरे की कोस की लंबाई मालूम करने और अगर दायरे का रदार 16 सेंटीमीटर और मरकजी जाविया जो है वो 60 डिग्री हो तो, यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए, यहाँ पे उर्दू मीडियम के लिए जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट अपने कायमत जाविया मुसलस बनानी है जिसके वितर की लंबाई 6 सेंटीमीटर और कायदे की लंबाई जो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे उर्दू मीडियम में दिया हुआ है। रन एक डाइस घुमाया, 3 मिलने का मकान क्या होगा, 3 ना मिलने का मकान भी आप लोगों ने बताना है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे ये उर्दू मीडियम में आंसर दिया हुआ है। ये था मेरे पास क्लास 8 मैथ का वर्जन नंबर 1 जो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है। वर्जन नंबर 2 जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना है ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं इजाजत, अल्लाह हाफिज़।